बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज मॉम्स किचन में बन रही है पालक गोश्त। बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पालक गोश्त बन रही है, देसी स्टाइल से। आइए देखते हैं पालक गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बीफ को बॉईल करके रख लिया था और उसमें लहसुन प्याज अदरक सारे जो है खुश्क मसाले जो होते हैं, खुश्क धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह सारा कुछ डाल के उसको गला कर रख लिया था। अभी मैंने उसमें एक बड़ा प्याज था, मैंने रफली कटिंग कर ली है और साथ उसके अंदर घी डाल के ऊपर रखा है थोड़ा सा फ्राई होने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने टमाटरों को दो अदद टमाटर लिए हैं बड़े, उनकी कटिंग करके रखी है। दो से तीन अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, ठीक है जी। 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिए का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी मसाले डाले थे इसलिए मैं इसमें हल्के लाइट से डाल रही हूँ, हल्के डाल रही हूँ। और सब्ज़ धनिया है, पालक को मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर कर छन्नी में रख दिया है, ठीक है जी। अब इसमें साथ ही मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। आंच को आप हल्का रखिएगा। मैंने घी डाला है, आप ऑयल डालें, घी डालें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। और ये ना कच्चे प्याज ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और साथ ही मैंने ये सारे मसाले डाल देने हैं ताकि अच्छे से सारे इसके अंदर गोश्त के अंदर रच बस जाए, ठीक है। इसकी हम 5 से 10 मिनट भुनाई करेंगे तो फिर हम इसमें पालक डालेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारी 5 से 10 मिनट भुनाई हो चुकी है गोश्त की अच्छे से। अब हम इसमें पालक डालेंगे और हल्की आंच करके उसको कवर करके दम पे रख देंगे जब पालक भी गल जाएगी। और इसमें ला फिर हम इसकी दोबारा पालक के साथ भुनाई करेंगे अच्छी सी, ठीक है जी। मैंने 1 kg ही जो है बीफ लिया है और 1 kg ही मैंने पालक ली है। 1.5 kg थी, 1 kg ही रह जाती है, ये गंद शंद इतना निकलता है इससे कटिंग करके हुए। ठीक है जी, अब मैं इसको सारे को कवर कर दूंगी करके, फिर मैं इसे 15 से 20 मिनट इसको ऐसे कवर करके रखूंगी हल्की आंच पे, पालक भी गल जाएगी और फिर हम इसको भुनाई इसकी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। हमारी पालक भी माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी है। हमारी पालक भी अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसकी बुनाई करेंगे। हम आओ ऐसे करके हम देख लेंगे, ये पालक हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे।
एंड पे हम जो है हाफ कप दूध का डालेंगे जब उतारने पे आ जाएगी पालक। पालक गोश्त जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा और उससे फिर आप टेस्ट देखिएगा पालक गोश्त का कैसा आता है। अच्छा जी, ये देखें हमारी पालक गोश्त अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। ये देखें पालक ने ऑयल छोड़ दिया है घी को और अब मैं ये हाफ कप दूध है बिस्मिल्लाह ये इसमें एंड पे डालूंगी। और बस फिर इसको कवर कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर करना है, कवर करके फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारा पालक गोश्त कितना मज़े का तैयार हुआ है और कितना मज़े का लग रहा है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर अभी तक लाइक नहीं की मेरी वीडियो तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।